हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभेंदु गुप्ता और आज मैं बात करने वाला हूँ ऑल्ट टेक्स्ट के बारे में जो ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। आइए शुरू करते हैं आज की बात। व्हाट इज ऑल्ट टेक्स्ट? ऑल्ट टेक्स्ट आर यूज्ड विद इन एन एचटीएमएल कोड टू डिस्क्राइब द अपीयरेंस एंड फंक्शन ऑफ एन इमेज ऑन ए पेज। तो दोस्तों, ऑल्ट टेक्स्ट क्या है? ये एक टेक्स्ट होता है जिसके थ्रू हमें ये डिस्क्राइब करना पड़ता है कि हमारे पेज पे जो इमेज है उसका अपीयरेंस कैसा होगा, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि वो इमेज किस चीज की है, उसको भी डिस्क्राइब हमें करना पड़ता है। इसको अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी बोलते हैं दोस्तों। ऑल्ट अल्टरनेटिव का शॉर्ट फॉर्म है और इसको ऑल्ट एट्रिब्यूट और ऑल्ट डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसको ऑल्ट टेक्स्ट भी बोलते हैं। ऑल्ट टेक्स्ट इज द रिटन कॉपी दैट अपीयर्स इन प्लेस ऑफ इमेज ऑन ए वेब पेज इफ द इमेज फेल्स टू लोड ऑन ए यूजर्स स्क्रीन। तो दोस्तों, क्या होता है जब इमेज लोड नहीं हो पाती किसी भी रीजन से, कुछ लोगों ने इमेज को ब्लॉक कर रखा होता है या फिर कभी इंटरनेट की स्पीड की वजह से इमेज लोड नहीं हो पाती, तो ये यूजर्स की स्क्रीन पे लिखा आता है जो इमेज अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है। विजुअली इंपेयर्ड यूजर्स यूजिंग स्क्रीन रीडर्स विल बी रीड एन ऑल्ट एट्रीब्यूट टू बेटर अंडरस्टैंड एन ऑन पेज इमेज। तो जो ऑन पेज इमेज होती है दोस्तों, तो ऐसे लोग जो विजुअली इंपेयर्ड हैं, मतलब जो देख नहीं सकते, तो वो स्क्रीन रीडर्स को यूज करते हैं और ऑपरेटर उनको बता सकती है या बता सकता है कि जो इमेज है वो किस चीज की है, ऑल्ट एट्रीब्यूट के थ्रू या फिर हम इसको बोले ऑल्ट टेक्स्ट के थ्रू। ऑल्ट टेक्स्ट प्रोवाइड बेटर इमेज कॉन्टेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस टू सर्च इंजन क्रॉलर्स हेल्पिंग देम टू इंडेक्स एन इमेज properly। Alt text का सबसे बड़ा use यही है दोस्तों कि ये किसी भी image को better describe कर सकता है search engines crawlers के लिए, और जब better understanding होगी crawlers के लिए तो दोस्तों indexing में भी help होगी, क्योंकि जो search engines हैं वो image के लिए भी बहुत अच्छे results देते हैं। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं जाके कि alternative text की वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जब images का SEO होता है और वो rank करती हैं। ऑप्टिमल फॉर्मेट्स फॉर ऑल्ट टेक्स्ट, वो क्या ऑप्टिमल फॉर्मेट है ऑल्ट टेक्स्ट को लिखने के लिए? तो दोस्तों, यहाँ पे एक कार है जो फोर्ड ब्रांड की है और इसका जो मॉडल है वो इको स्पोर्ट है, तो बैड ऑल्ट टेक्स्ट क्या होगा दोस्तों? फोर्ड कार, या फिर कुछ लोग ऐसे लिखते हैं व्हाइट कार, फोर्ड कार, गुड कार, बेस्ट कार ऑफ 2021। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं मानी जाती है। आप इस तरीके के अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं लिखेंगे किसी भी इमेज के लिए। गुड ऑल्ट टेक्स्ट, एक अच्छा अल्टरनेटिव टेक्स्ट कैसा हो सकता है दोस्तों? व्हाइट कार फोर्ड इको स्पोर्ट एक्सटीरियर। तो इस तरीके से आपको अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखने हैं। तो एक और एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे एक इमेज है, ये कार्टून इमेज है एक पांडा की जो बैम्बू ईट कर रहा है, तो बैड ऑल्ट टेक्स्ट क्या होगा? पांडा इमेज, या फिर पांडा क्यूट पांडा, पांडा इन जू, पांडा विद बैम्बूज। तो इस तरीके के जो ऑल्ट टेक्स्ट है वो बैड माने जाते हैं। गुड ऑल्ट टेक्स्ट कैसा हो सकता है दोस्तों? कार्टून ऑफ क्यूट पांडा ईटिंग है बैम्बू। अगर आपके माइंड में भी कोई अल्टरनेटिव टेक्स्ट चल रहा है दोनों इमेजेस को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि कितना अच्छा आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख सकते हैं। ऑल्ट टेक्स्ट इंपॉर्टेंस, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? वैसे तो ये एसईओ के लिए एक माइनर फैक्टर है ऑल्ट टेक्स्ट, पर दोस्तों जब आप इन माइनर फैक्टर्स पे काम करेंगे, क्योंकि ये चीजें आपके हाथ में है, अगर आप इनको सही कर लेंगे शुरू में ही और आप इन पर प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप डे बाय डे अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छा बना लेंगे। तो दो इंपॉर्टेंस है इसकी, एक तो है एसेसिबिलिटी और दूसरी है इमेज एसईओ। तो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन के लिए तो इसकी एसेसिबिलिटी है ही है, उसके अलावा ऐसे लोग जिन्होंने वेबसाइट पे इमेजेस को ब्लॉक कर रखा है तो वो भी एक्सेस कर सकते हैं, इमेज अल्टरनेटिव टेक्स्ट के थ्रू पढ़ सकते हैं ये इमेज किस चीज की है, वो उसको बाद में व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, जब इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है और कोई भी इमेज लोड नहीं हो पाती, ईमेल मार्केटिंग के जब आपके पास मेल आते होंगे आप देखते होंगे उनमें कि कभी कभी इमेज लोड नहीं होती, तो उसका नाम लिखा जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंस है इसकी दोस्तों इमेज एसईओ। तो जिस तरीके से कंटेंट में टेक्स्ट का और भी चीजों का एसईओ होता है, उसी तरीके से इमेज और वीडियोस का भी एसईओ होता है। तो इमेज एसईओ को ये इंक्रीज करता है अगर आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखते हैं, और इस बात को मैट कट्स भी बोलते हैं कि इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये क्रॉलर्स की हेल्प करता है, और जब क्रॉलर्स की हेल्प करेगा तो इसको इंडेक्स करने में क्रॉलर्स को आसानी होगी। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर राइटिंग ऑल्ट टेक्स्ट, अब वो कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आप कर सकते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट को लिखने के लिए? मेक इट मोर स्पेसिफिक, आपको दोस्तों अपना जो ऑल्ट टेक्स्ट है उसको स्पेसिफिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एक फोर्ड इको स्पोर्ट वाली जो इमेज थी उसके लिए एग्जांपल दिया था, इसी तरीके से आपको थोड़ा स्पेसिफिक करना पड़ेगा। आपको किसी भी चीज का पहले बताना पड़ेगा ये है क्या, जैसे वो कार थी, आप व्हाइट कलर को भी यूज कर सकते हैं व्हाइट कार। उसके बाद मैंने ब्रांड का नेम लिखा, ब्रांड का नेम लिखने के बाद मैंने वर्जन का नाम लिखा यानी इको स्पोर्ट्स का, और उसके बाद मैंने बताया ये उसके बाहर की इमेज है यानी ये एक्सटीरियर है।
तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक बना सकते हैं, थोड़ा डीप थॉट आपके लिए करना पड़ेगा जब आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख रहे हो तब। कीप इट रिलेटिवली शॉर्ट, आप इसको छोटा रखें, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करते। आपको उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, आपको उसमें ऑल्ट टेक्स्ट लिखना है। आप इस सोच के साथ अल्टरनेटिव टेक्स्ट को लिखेंगे। यूज योर कीवर्ड्स दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है ऑन पेज एसईओ के लिए कि आप जब अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख रहे हो तो आप उसमें अपने प्राइमरी कीवर्ड्स को जरूर यूज करें। जैसे मान लीजिए मैंने कार का जो एग्जांपल दिया था, फोर्ड इको स्पोर्ट का, अगर मेरा उससे रिलेटेड पेज है तो मैं उसको टाइटल में भी लूंगा, यूआरएल में भी लूंगा और इमेज ऑल्ट टेक्स्ट में भी लूंगा। अवॉइड रिपीटेशन ऑफ कीवर्ड्स, तो दोस्तों आपको जो कीवर्ड्स हैं उनका रिपीटेशन अवॉइड करना है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि फोर्ड कार, बेस्ट कार इन 2020, गुड कार, ऐसे करके आपको नहीं लिखना। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो कीवर्ड स्टफिंग मानी जाती है और आपकी इमेज कभी रैंक नहीं होगी। डोंट यूज इमेज ऑफ फोटो ऑफ, तो दोस्तों जैसे मैंने देखा है कुछ पर्संस क्या करते हैं, जैसे उन्होंने ताजमहल की इमेज अपलोड करी वेबसाइट पर, तो वो उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट में लिखते हैं इमेज ऑफ ताजमहल, फोटो ऑफ ताजमहल। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। गूगल को ये पता है कि ये इमेज है, क्रॉलर्स को ये पता रहता है कि यहाँ पे इमेज है, पर किस चीज की इमेज है ये बताना है आपको। आपको ये नहीं बताना है वहां पे कि इमेज ऑफ फोटो ऑफ। अगर आपको ताजमहल की इमेज बतानी तो आप सिंपली ताजमहल लिख सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि ये कौन से एंगल से खींची गई है, या फिर कोई आप उसके साथ फ्रेज जोड़ के लिख सकते हैं, पर आपको इमेज ऑफ फोटो ऑफ ये वर्ड नहीं लिखने हैं। डोंट यूज इमेजेस एज टेक्स्ट। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट लेके और उसको अपनी वेबसाइट पे शेयर कर देते हैं, तो दोस्तों ऐसा करना नहीं चाहिए पहली बात तो। अगर आप कर भी रहे हैं किसी वजह से तो आपको जो उसमें टेक्स्ट है उसको अपनी वेबसाइट पे डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा। इफ ए इमेज रिक्वायर्ड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन यूज लॉन्ग डेस्क टैग। अगर आपके वेबसाइट पर कोई ऐसी इमेज है जिसमें आपको बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना है, मतलब जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो बड़ा हो रहा है, तो आप लॉन्ग डेस्क टैग का यूज करें। डोंट नेग्लेक्ट फॉर्म बटन्स, तो कई सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनके जो फॉर्म्स होते हैं उनमें बटन की जगह इमेज होती है, मतलब वो होता बटन ही है, उसकी बैकग्राउंड में इमेज लगी होती है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वहां आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट जरूर लिखें उस इमेज का जो बटन में आप यूज कर रहे हैं। यूज लेस देन 125 कैरेक्टर्स, आपको 125 कैरेक्टर से कम यूज करने हैं हर हालत में अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखने के लिए। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस थी जो मैंने आपको बताई ऑल्ट टेक्स्ट को लिखने के लिए। लेट्स डू इट प्रैक्टिकली, तो दोस्तों इसको हम पहले देखेंगे कि ये दिखते कैसे हैं ऑल्ट टैग, और फिर हम इसको प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर रखी है shoutmilad.com, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के नर्ड हैं तो आप इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट है। और इसमें मैं जा रहा हूँ दोस्तों ब्लॉग पेज पे, तो दोस्तों मुझे यहाँ पे ना बहुत सारी इमेज दिखेंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा है मुझे वर्डप्रेस एसईओ ट्यूटोरियल, अगर मैं इसको सेव करूंगा, सेव इमेज है, तो दोस्तों मुझे यहाँ पे कुछ नाम दिखेगा, जैसे यहाँ दिख रहा है मुझे वर्डप्रेस हाइफन एसईओ हाइफन ट्यूटोरियल। तो दोस्तों एक तो ये चीज है, लेकिन ये ऑल्ट टेक्स्ट नहीं है, अभी मैं ऑल्ट टेक्स्ट की और बात बताऊंगा आपको। अब इस इमेज को हमें क्या करना है, देखना है कि इसमें ऑल्ट टेक्स्ट क्या है। तो मैं यहाँ प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल यू, और अब मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल एफ, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ALT ऑल्ट, और मैं इसको कर रहा हूँ सर्च। तो दोस्तों रिजल्ट रिट्रीव हो रहे हैं, यहाँ पे मुझे 42 रिजल्ट्स मिले हैं। तो जो हमने देखी थी दोस्तों वो थी वर्डप्रेस एसईओ ट्यूटोरियल, तो देखते हैं ये हमें कहाँ मिलती है। तो दोस्तों आपको दिखेगी यहां पे ये ऑल्ट टैग के साथ लिखा हुआ है बैड इंस्टाग्राम प्लगइन्स। हमने कौन सी ढूंढी थी दोस्तों, वर्डप्रेस एसईओ ट्यूटोरियल, तो हमें वो भी ढूंढना पड़ेगा कि वर्डप्रेस एसईओ ट्यूटोरियल कहाँ है। तो दोस्तों आपको ये 29th नंबर पे दिख रहा है, 42 थे, 29th पे आपको यहाँ पे ऑल्ट टैग दिखेगा वर्डप्रेस एसईओ ट्यूटोरियल, वर्डप्रेस एसईओ ट्यूटोरियल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो ऑल्ट टेक्स्ट है वो वही यूज करा है जो इमेज का नेम था। अब मैं आपको ले चलूंगा वर्डप्रेस के बैकएंड पे, वहां पे बताऊंगा कि ये काम कैसे होता है। तो मैं अपने वर्डप्रेस के बैकएंड पे आ गया हूँ दोस्तों, और यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा मीडिया का। तो मीडिया के अंदर जब हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि हम जितनी भी इमेजेस होती हैं उनको यहाँ पे रखते हैं, या फिर जो भी पीडीएफ्स होते हैं या वीडियोस होते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे मेरी इमेज है, मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो दोस्तों इसका टाइटल दिख रहा होगा आपको शुभेंद्र गुप्ता। तो जब हम इमेज सेव कर रहे थे ना तो हमें टाइटल दिखता है वहां पे कि ये टाइटल क्या है, शुभेंद्र गुप्ता।
और जैसा मैंने कहा कि जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख रखा है दोस्तों अपनी मेल का, शुभेंद्र गुप्ता डायरेक्टर ऑफ लर्न टू अर्न लैब्स, क्योंकि दोस्तों ये मेरी वेबसाइट पे है, तो मैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट जब लिख सकता हूँ स्पेसिफिक तो मैं उसको यूज भी कर सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख रखा है। और अगर मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करूं तो दोस्तों ये वेबसाइट ओपन हो गई है, अगर मैं नीचे आऊं इसमें इमेज देखूं कोई सी भी, तो यहाँ पे मुझे इमेज दिखेंगी जैसे ये अदिति खंडेलवाल, लतिका शर्मा, रजत शर्मा, ये व्हाट अवर स्टूडेंट सेज, तो मैं अब इनका ऑल टेक्स्ट चेक करूंगा, तो मैं प्रेस करूंगा दोस्तों कंट्रोल यू, और यहां आने के बाद मैं किसी भी नाम को डाल लूं, जैसे मैं मुकुल गुप्ता, तो मैं कंट्रोल एफ प्रेस करूंगा और यहां लिखूंगा मुकुल, तो दोस्तों आपको यहां पे दिख जाएगा www.learn2unlabs जो भी यहाँ यूआरएल है, अपलोड इमेज किसकी है, मुकुल गुप्ता की, और यहां पे ऑल टेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको, मुकुल गुप्ता। तो दोस्तों अगर मैं इस लिंक को उठा के यहां से और इसको कर लूं कॉपी और इसको यहां कर दूं पेस्ट, तो दोस्तों ये इमेज आ गई ना, अगर मैं इसको सेव करूंगा यहां से तो यहां पे आपको नाम दिख जाएगा मुकुल गुप्ता, यानी दोनों जगह इसका नाम मुकुल गुप्ता था, अल्टरनेटिव टेक्स्ट में भी था और टाइटल्स में भी था। तो इस तरीके से आप दोस्तों अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख सकते हैं और उनके टाइटल भी लिख सकते हैं, तो टाइटल में तो आप स्पेसिफिकली वही लिखेंगे जो चीज है, जैसे मेरी इमेज है तो मैं अपना नाम लिखूंगा, और यहां मैंने नाम के साथ साथ अपना डेजिग्नेशन भी इंक्लूड कर लिया है, तो आप इस तरीके से अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर मैं और भी इमेज देखूं, जैसे मान लीजिए ये इमेज है हमारी लैब की इमेज है, तो यहाँ टाइटल क्या है ST6 और यहाँ पे क्या है लर्न टू अर्न लैब्स इमेज 17। तो दोस्तों इस चीज को लिखने का फायदा क्या होता है, अगर मैं गूगल डॉट कॉम पे आऊं और मैं जाऊं इमेजेस में और यहां लिखूं लर्न टू अर्न लैब्स, तो दोस्तों जितनी भी इमेजेस आएंगी वो सारी लर्न टू अर्न की आएंगी, क्यों आएंगी, क्योंकि इन इमेजेस में कहीं ना कहीं लर्न टू अर्न लैब्स यूज हुआ है, और आपको ज्यादातर इमेज जो मिलेंगी वो लर्न टू अर्न लैब्स की ही मिलेंगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे यूट्यूब का थंबनेल भी आ रहा है, तो ये जो पावर होती है ये इमेज एसईओ की होती है, और आप इसको अच्छा कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा इमेज ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है या ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।